हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कैनन की 4245 मशीन के बारे में, इसके सप्लाई बोर्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका सप्लाई बोर्ड जो है या तो अगर ख़राब हो जाता है तो हमें इसको चेंज कैसे करना है, और अगर चेंज नहीं करना है, इसके अंदर टोनर वगैरह भर जाता है सप्लाई बोर्ड के नीचे, तो उसको रिमूव करके उसको क्लीन करके दोबारा से कैसे लगाना है, तो मैं आज आपको ये बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, ये हमारी कैनन की 4245 मशीन, जो कि जिसका आप सीरियल नंबर यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4245 लिखा हुआ है, और यहाँ पर कैनन की ब्रांडिंग है, कैनन की मशीन है, और ये एडवांस सीरीज़ की मशीन है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इमेज रनर एडवांस। तो दोस्तों, इसका जो पावर सप्लाई बोर्ड निकालना है वो हमारा इधर लेफ्ट साइड होता है, तो ये मशीन रोटेट करके मैं दिखाता हूँ। तो उसको निकालने के लिए पहले हमको ये वाले कवर खोलने पड़ेंगे। मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। इनको खोलने के लिए पहले हमें फ्रंट डोर खोलना पड़ेगा। दोस्तों, फ्रंट डोर खोलने के बाद हमें ये वाले कवर को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कवर को आप धीरे से हल्के हाथों से हिलाओगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इन्हें मैं निकाल के साइड में रख दे रहा हूँ। दोस्तों, ये वाले कवर के ये यहाँ बगल में दो तीन नट्स लगे होते हैं, एक यहाँ लगा होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। इनको मैंने पहले से खोल रखा है, तो इसको आप खोलने के बाद सिंपली यहाँ से निकाल लीजिए। और उसके बाद आप अगर दोस्तों आप ये वाला कवर भी इसके नीचे रखा है, ये वाला भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वरना इसके बिना भी ये बोर्ड हमारा बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसको सुविधा के लिए इसके भी स्क्रू खोल के इसको बाहर निकाल दिया था। तो इसको बाहर निकालने के लिए इसके भी स्क्रू खोलना पड़ेंगे। इसमें 4-5 स्क्रू होते हैं, और उसको खोलने के बाद हमें इनकी फर्स्ट और सेकंड ट्रे है उसको खोलना पड़ेगा। ठीक, खोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। जैसे ही आप ट्रे को खोल लोगे तो ये वाला कवर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ये देखिए, उसके बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा डीसी बोर्ड, ये सप्लाई बोर्ड है हमारा। मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है हमारा सप्लाई बोर्ड, और मैं इसमें आपको अंदर दिखाऊँ तो इसमें क्या है, काफ़ी सारा टोनर भर गया है। देखिए, इसमें ये ऊपर इसके ये काफ़ी सारा टोनर चिपका हुआ है, और ये साइड में भी मैंने मशीन को खोल लिया है क्योंकि इसके पीछे टोनर भर गया है। तो इसकी हम सफाई करके इसको दोबारा से फिट करेंगे। मैं पीछे की तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें कितना सारा टोनर भरा हुआ है। क्या है, मशीन को ऑपरेट करते समय इसमें कुछ टोनर फैल गया था, तो इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और पहले मैं आपको इसमें डीसी बोर्ड के बारे में बताता हूँ, इसका सप्लाई बोर्ड के बारे में। तो सप्लाई बोर्ड दोस्तों यहाँ होता है, और इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं। एक स्क्रू यहाँ होता है, और एक स्क्रू यहाँ होता है, और एक स्क्रू यहाँ होता है। इन तीनों को मैंने खोल रखा है। तो खोलने के बाद दोस्तों, इसके कुछ कनेक्टर हैं वो हमें निकालना पड़ेंगे, उसके बाद ही ये बाहर आएगा। दोस्तों, इनमें एडवांस सीरीज़ की मशीनों में बताऊं आपको, 40-25 हो या 40-50 हो, 40-35, 40-45 हो, या फिर ये 42 सीरीज़ की मशीन हो, इनके डीसी बोर्ड यहीं पर फिट होते हैं, और लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इनके कनेक्टर में आपको निकालने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें यहाँ के इन दोनों कनेक्टरों को निकालना पड़ेगा, ये दोनों कनेक्टर को। तो आप इसको स्क्रू खोलने के बाद डीसी बोर्ड को हल्का सा ऊपर उठा के बाहर की तरफ आप इसको खींच पाए तो खींच लीजिएगा, जिससे कि ये आपको ये कनेक्टर निकालने में सावधानी होगी। ये कनेक्टर निकालने के लिए दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा लॉक होता है जिसको हमें इस तरीके से दबा के इसको ऊपर उठाना होता है। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, और थोड़ा पास से दिखाऊँ। जैसे ये देख रहे हो दोस्तों, ये लॉक है इनके, ये वाले, तो इनको हमें इस तरीके से दबाना होता है, ऊपर की तरफ खींचना होता है। एक और इसमें ये वाला कनेक्टर लगा है, ये भी इसी तरीके से निकलेगा। तो इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इसको भी हमें हल्के से दबाना है और ऊपर की तरफ उठा देना है। दोस्तों, ये वाला भी कनेक्टर निकल गया है। उसके बाद हमें ये वाले कनेक्टर निकालने हैं। इन कनेक्टर को निकालने से पहले हमें ये छोटा वाला एक वायर है जिसमें ये कनेक्ट है, इसको निकाल देना है। इसको सिंपली आप हल्के से खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये वाइट वाले कनेक्टर आपको दिख रहे हैं, इनमें ये लॉक लगे हैं, इनको आप ऐसे प्रेस करोगे और ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये बाहर आ जाएंगे। ये सारे कनेक्टर लगभग
इसी तरह से लॉक होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये कनेक्टर निकालने से पहले आप इनका फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा, जिससे कि आप बाद में कनेक्टर लगाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन सा कनेक्टर कहाँ लगा था। तो मैंने इनका पहले से, मुझे पता हुआ पता है कि कहाँ पर इनके कनेक्टर फिट होंगे, तो मैंने फ़ोटो नहीं खींचा है। बाकी आप अगर फर्स्ट टाइम इसको खोलें तो इसके फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा। इसमें एक कनेक्टर ये और बचा है, ये भी लॉक लगा इसमें तो ये भी बाहर आ गया। इन सबको निकालने के बाद आपका दोस्तों सप्लाई बोर्ड आसानी से बाहर आ जाएगा। इसको पकड़ के धीरे से आप बाहर निकाल लीजिएगा। बाहर निकालने के बाद आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो इसमें काफ़ी सारा टोनर रखा है। इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना सारा इसके ऊपर टोनर जमा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ साफ करके, देखिए इसमें भी यहाँ पर टोनर काफ़ी सारा इसके अंदर चला गया है। तो क्या अभी हम इसको साफ करेंगे ब्लोअर से, और बाकी थोड़ा हम इसको ब्रश की मदद से साफ करेंगे और फिर इसको दोबारा से हम फिट करेंगे। आप दोस्तों अंदर भी देख पा रहे होंगे कि अंदर कितना सारा टोनर फैला हुआ है। दोस्तों देखिए इसके अंदर कितना सारा टोनर फैला हुआ है ये, तो इसको भी हम अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद अपने बोर्ड को दोबारा से फिट करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं इनको साफ कर लेता हूँ, अपने डीसी बोर्ड को भी साफ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको दोबारा से मैं फिट करके दिखाता हूँ किसे फिट भी कैसे करना है, अगर जिससे कि आपको फिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैंने इसको मशीन को पूरा अच्छे से फ्रंट डोर वगैरह खोल के और साइड डोर खोल के इसको पूरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टोनर भर गया था। जब मशीन ये ट्रांसपोर्ट से आई थी तो इसमें क्या डीपी लगी रह गई थी, जिसके कारण ये थोड़ा सा उठाने धरने में इसका टोनर जो है पूरे मशीन में फैल गया था। तो क्या खोलने में काफ़ी गंदगी लग रही थी इसको मशीन को, और क्या है इसमें जब भी हम फोटोकॉपी करते थे तो क्या है पेपरों पर भी टोनर गिर जाता था, क्योंकि लेजर यूनिट के नीचे यहाँ पर भी टोनर भरा रहता था और लेजर यूनिट यहाँ लगती है दोस्तों, तो यहाँ पे भी क्या काफ़ी सारा टोनर फैल गया था। और फिर जो नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ हमने अपना सप्लाई बोर्ड लगाया था, यहाँ से निकाला था, वो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने पूरा अंदर से क्लीन कर लिया अच्छे से, इसमें बढ़िया ब्लोअर वगैरह मार के देखिए आप चारों तरफ से, और मैंने कुछ इसमें टोनर पीछे की तरफ डीसी बोर्ड वगैरह में भी लग गया था, तो मैंने इसको पूरा ब्लोअर से मार के आपको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी टोनर अभी देख पा रहे होंगे, इसके बाहर है ना अभी भी काले रखे हुए हैं, तो इसमें टोनर काफ़ी लग गया था। इसमें कुछ टोनर देखिए अभी भी अंदर लगा हुआ है, मॉइस्चर के कारण जम गया है। तो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, बस थोड़ा बहुत ही कहीं टोनर रह गया होगा तो उसका कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं। तो इसमें लगभग मैंने सभी जगह से इसको क्लीन कर लिया है। तो अब इसको क्लीन करने के बाद अब इसको मैं बारी बारी से इसके सारे जो भी पार्ट्स हमने निकाले थे वो मैं लगा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपना सप्लाई बोर्ड उसी जगह फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख लीजिए आप मशीन हमने ये पूरी खोल ली, अभी ये रखी हुई है, अभी मैं इसको पूरा फिट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं जब इसका सप्लाई बोर्ड लगाऊंगा तो उसमें मैं आपको इसके कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने ये मशीन को अच्छे से फिट कर लिया है, बस अब इसमें सप्लाई बोर्ड लगाना रह गया है। तो आप देख लीजिए सप्लाई बोर्ड ये है हमारे पास, जो कि हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इसको हम इस जगह फिट करेंगे जहाँ से हमने निकाला था। तो मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जैसे ट्रे अंदर जाती है पेपर की उसी तरीके से इसको पोजीशन में रख के अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना इसके जो कनेक्टर हैं उनको हमें बाहर की तरफ निकालना है, जिससे कि हम इन कनेक्टरों को उसी जगह फिट कर सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक ये वाला कनेक्टर है जो अंदर की तरफ फंस गया है, देखिए ये वाला सफ़ेद वाला, तो इसको हमें हाथ से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये बाहर की तरफ ही फिट होता है। क्योंकि फिट बोर्ड को लग जाने के बाद फिर हमें बार बार इनको खोलना पड़ता है, तो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ये आ गया, अब हमें बोर्ड को उसी पोजीशन पर रख देना है जहाँ हमें स्क्रू टाइट करना है। देखिए अब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद हमें ये कनेक्टर वापस वहीं के वहीं लगाना है। तो जैसे कि ये छोटा वाला जो कनेक्टर है, मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटा वाला,
बाहर लगेगा और इसके बगल में है जो वो अंदर लगेगा। सिंपली बस रख के प्रेस कर देना है हल्का सा तो ये लग जाएगा। उसके बाद ये वाला है, ये 3 पिन है इसमें, तो ये हमें इसमें अंदर लगाना है। ये मेन पावर सप्लाई का केबल है जिससे कि पूरे बोर्ड में पावर जाती है। ये अच्छे से लगने के बाद अब ये केबल है जो हमने ऊपर की तरफ निकालनी थी, इनको वापस हमें नीचे खींच लेना है। नीचे आने के बाद अब हमें इनको वापस वहीं की वहीं लगाना है जैसे हमने इनको निकाला था। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, वैसे तो इनमें कुछ कॉमन ही है। जैसे कि ये पिंक वाला है तो ये हमें पिंक में लगाना है और इनको लगा के थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है। उसके बाद ये वाला हमें लगाना है दोस्तों। ये लगाने के बाद इसको भी हम थोड़ा हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसके बाद हमें अपना ये कनेक्टर लगाना है। सबसे बड़ा है जो ये वाला, ये कनेक्टर हमारा यहाँ का नहीं है, यहाँ का है। ये कनेक्टर हमें यहाँ लगा के प्रेस कर देना है। उसके बाद एक ये कनेक्टर है, और एक ये है सबसे बड़ा कनेक्टर जो कि बाहर की तरफ भी लगेगा। इसे भी हम लगा के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये भी अच्छे से लग जाएगा। ये लग गया। उसके बाद ये वाला यहीं की यहीं लगेगा। और ये जो कनेक्टर है वो अंदर वाइट वाले उस वाले सॉकेट में लगेगा। तो दोस्तों सिंपली हमें बस इसका डायरेक्शन को सीधा रखना है और रख के थोड़ा हल्का सा प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर लॉक हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हमें लॉक को दबाना पड़ता है, प्रेस करते ही ये लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक ये बाहर के लिए है तो ये हम बाहर लगा देते हैं इसको। एक मिनट, ये बाहर का नहीं दोस्तों, ये यहाँ का है, इसमें लगेगा ये अंदर इस वाले में यहाँ। ये लग गया। और उसके बाद यहाँ जो लगेगा बाहर वो एक ब्लैक वाला है कनेक्टर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, जो कि यहाँ लग जाएगा। यहाँ लगाने के बाद ये लास्ट कनेक्टर है और उसके बाद ये छोटा सा एक जो कनेक्टर है वो हमें इसमें लगा देना है। इसमें 2 पिन दिख रहे हैं आपको, तो जिस डायरेक्शन में पिन है उसी डायरेक्शन में रख के इसको हमें हल्का सा अंदर प्रेस कर देना है। दोस्तों ये प्रेस हो गया तो ये हमारा पूरा सप्लाई बोर्ड है, ये अच्छे से फिट हो गया है। बस अब कुछ नहीं करना, हमें इनके स्क्रू कस देना है और जो साइड के हमने कवर निकाले थे उसको पैक कर देना है। उसके बाद हमें मशीन चालू करना है, मशीन हमारी चालू हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर ये बोर्ड रिपेयर कराना है तो आप निकाल के रिपेयर करा सकते हैं और उसकी जगह दूसरा कोई नया बोर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40 सीरीज़ और 42 सीरीज़ की मशीन के बोर्ड सेम ही होते हैं लगभग। बस इनको क्या है, ये निकालने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब इसमें टोनर वोनर गिर जाता है या अदरवाइज़ 110 मशीन को हमें 220 बनाना है तो उसमें ये सप्लाई बोर्ड और एलिमेंट चेंज करना पड़ता है। किसी किसी में डीसी बोर्ड भी चेंज करना पड़ता है, तो वो अपने इंजीनियर से आप थोड़ा डिस्कस करके ये सब कीजिएगा, वरना काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो ये हमने फिट कर लिया है, बाकी इसके बाद हम स्क्रू लगा के पूरी मशीन को फिट कर देते हैं और हमारी मशीन चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं
कोशिश करूँगा कि आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मशीन ऑपरेट करने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। फ्रेंड्स, वीडियो को ऑफ करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।